أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه معزز السامعين पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ ले। लंबा बयान नहीं होगा, वक्त भी बहुत मुख्तसर है और आगे के प्रोग्राम में मुझे हाजिर भी होना है। और ये जलसे के जुमले तो मुसल्लम हैं, बग़ैर किसी ताख़ीर के अब मौलाना का बयान होगा। बग़ैर किसी ताख़ीर का अगर ये हाल है तो ताख़ीर का आलम क्या होगा। मौलाना को कम से कम 2 घंटे होना तो एक मिसाल याद आ गई मुझे। मौलाना पेट भर कर खाने वाले, आज गुजारिश है कि एक रोटी पर इक्तिफा करें। लंबा बयान नहीं होगा। हमारे जो बड़े हैं, जिनकी ज़र्रा नवाजी है, इससे बेहतर रिश्ता क्या हो सकता है, जिनका ताल्लुक हमारे वालिदैन से होता है, वो या तो हमारे चाचा होते हैं या तो मामा होते हैं। बड़ों का ज़र्फ भी बड़ा होता है। समझ में आ रही है बात मेरी? अरे मुंडी तो भी हलो रे बाबा। बड़ों का ज़र्फ भी बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि असल बयान मेरा है, असल बयान हज़रत मौलाना ही का। उन्होंने अपना वक्त तोहफ़तन मुझे अता फरमाया। लंबा और बात का और बड़ा बयान होना असल मुकर्रर की अलामत नहीं है। कोई बड़ा आदमी बच्चे को उठाकर गोद में बिठाता ऐसा? अरे बिठाता नहीं, बिठाता उठाते हैं क्या बच्चों को? नहीं उठाते। नहीं, ट्रैली आ गई, हम बच्चे नहीं लगेज हो गए हैं। गोद में ऐसा उठाते औरतें, मर्द हजरात ऐसा भी उठाते। पैगंबर की जिंदगी में, सीरत में ये भी मिलता है कि आका अपने बच्चों को कैसे उठाते और कहां कहां बिठाते, ये सबक भी हमको मिलता है।
बोलो सुभान अल्लाह बोलो। इसीलिए तो दुनिया की वाहिद ज़ात अक़दस है, जिनकी ज़िंदगी कामिल और मुकम्मल है। बच्चों को आका कैसे उठाते, कहाँ कहाँ बिठाते, ये भी सबक है। कभी आका ऐसे उठाते, अरे कौन भी फ़ोन में बात करते, हमें कब बोले, अमेरिका में ही बोलकर। जलसों में अदब से बैठना, मैं भी मेरा फ़ोन साइलेंट करया, मैं भी अगर मेरा फ़ोन नॉर्मल रखता तो बयान कर सकता। और ये जलसों में बयान सुनना फ़र्ज भी नहीं वाजिब भी नहीं, या तो सुन्नत है या तो मुस्तहब है। अब फ़ोन अगर ज़रूरी है तो जलसों में बैठो मत। आज के बाद याद रखो, जलसों में जब बैठते हैं तो फ़ोन का ऑफ या साइलेंट मोड में करना, ये तुम्हारे अखलाक की दलील है। मेरे मुंह को ब्रेक नहीं बाबा, मैं बैठे तक बर्दाश्त करो, मैं जाने के बाद मुझे कौन बुलाए कि उनको पकड़ लो। क्या इतने बड़े कर्नाटक में उन्हें क्या मिला। मैं जो देखता हूँ वो बोलता हूँ, बस उतनी सी बात। हम इस्लाह नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। अब नबी तो आने वाला नहीं है कोई, मेरा नबी आखिरी नबी है, आपका नबी आखिरी नबी है। ला नबी अबादी, ज़र्रा सुन कम करो भाई ज़र्रा। ला नबी अबादी, आका के बाद कोई नबी नहीं है। 1450 साल का अरसा गुजर गया आका के दुनिया से पर्दा करने के बाद। कितने साल, 1450 साल, 1500 साल के तकरीबन अरसा। इतने लंबे अरसे में आज तक आका के बाद कोई नबी नहीं आया। दो नबियों के बीच में इतना लंबा अरसा भी नहीं गुजरा। देखो कितने मौली साहब बैठे हैं। दो नबियों के बीच में इतना लंबा अरसा नहीं गुजरा। एक नबी के बाद एक नबी एक महीने में आ गया, एक नबी के बाद एक नबी दो महीने में आया, एक नबी के जाने के बाद एक नबी एक साल में आया, एक नबी के जाने के बाद एक नबी 5 साल में आया। कभी ऐसा भी हुआ कि एक नबी मगरिब में तो एक नबी मशरिक में, एक नबी शिमाल में तो एक नबी जनूब में। कभी ऐसा भी हुआ, मिसाल दे रहा हूँ, एक नबी बीजापुर की मसाफत में और एक नबी मुद्दा बहाल के मसाफत में। ऐसा भी हुआ कि एक नबी एक खानदान में तो उसी खानदान में और एक नबी, और ऐसा भी हुआ कि एक ही घर में चार चार नबी। समझ में आ रही है नौजवाना, नहीं हथौड़ी मंगाऊं। समझना, जलसों को आए क्या टीवी सीख ले को समझ ले को जाना। आते ही जैसा जाते ही वैसा, इतना खर्च हिसाब तुम्हें भी देना हमें भी देना। दो चोरा दो घोड़े चुराए कहते। अभी अशार पढ़ना तकरीर शुरू करा दी भाई। क्या हजरत, हजरत का हाथ सर में रख ले को बैठा हूँ, उसके हंसते आ रहा है सोनवान। दो चोरा दो घोड़े बीजापुर में चुरा ले को बेंगलुरु को लेकर चले गए, वहाँ बेचेंगे बोलको। पूरी रात घोड़े में बैठ को सफर कर दाल को। एक चोर को बोला कहते, रे भूत नहीं नारिये मंजे, मैं रत्तियों को सोतूँ तू घोड़े देख, मैं उठ के बाद तू सो मैं घोड़े देख तू। एक चोर सोगा एक चोर घोड़ा को देख लको बैठिया बन को, इन्हें सोगा इन्हें भी रत्तियों खत के बस सोगा।
तीसरा चोर आया, ये दो घोड़े चुरा लेगा चलेगा। तीसरा चोर आया अभी ने उठिया, जो घोड़े देख ले को था नहीं उन्हें उठे, देखे तो घोड़े चुनी अल्लाह, अभी नहीं उठा तो क्या पूछना, सूत को जवाब जहन में रख ले को बैठ गया। बाद में उन्हें उठिया, क्या रहा कर रहा है, बैठा हूँ। घोड़े कह रहे बेच डालिया, कितने मेरे बेचिया, जितने में खरीदा उतने में बेचा। जितने में खरीदिया उतने में बेचिया, जैसा आए वैसा गए। आए खाली खाए ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर कुछ लेकर भी तो जाओ, समझ कर जाओ, सुन कर जाओ, इरादे करके जाओ। मुजद्दिदे मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अमल अल्लाह ताला तौफीक उस वक्त देते हैं जब बंदा इरादा व नीयत करता है। और हदीस भी है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियत। बयान हजरत का सुने, अरे मुझे अमल करना भी इंशाल्लाह, नीयत कर ले को बाहर गए तो अल्लाह ताला तौफीक के रास्ते अता फरमाते। इरादा करके गए अल्लाह ताला तौफीक के रास्ते अता फरमाते। कहां से बात शुरू किया उसे जहन में रखो, पॉइंट आ रही है तो पेश कर रहा हूं। दो नबियों के दरमियान में आज तक इतनी बड़ी मसाफत नहीं हुई, कभी ऐसा भी हुआ कि एक ही घर में चार चार पांच पांच अंबिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकिल शायर नहीं थे, लेकिन आपके जुबान से कभी अशार भी निकले हैं। मुस्तकिल शायर नहीं थे आका, लेकिन आपके जुबान मुबारक से अशार भी निकले हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आपने तारीफ शेर में की है, नबी बुनुल करीम। सुभान अल्लाह, बोले तो आगे पढ़तू नहीं तो असर तक एक पढ़ लग रहा। हजरत जगा जगा को हजरत जागो बैठ गए, अब मंजे जगाने छोड़ डाले, अब मंजे तुम ना देखे तो नींद आ रही है। करीम बुनिल करीम। यूसुफ बुनु याकूब अबनी इसहाक अबनी इब्राहिम। ये चार नामा जो है ना, चार के चार नबिया एक ही घर के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक, इसहाक के बेटे याकूब, याकूब के बेटे यूसुफ, एक तरतीब में। वैसे तो हजरत इब्राहिम के और एक बेटे हजरत इस्माइल भी, औरत अभी ही कहते कहीं हजरत पीछे ही सामने ही। इतना साइलेंट ही ना हजरत, माशाल्लाह, वाकईतन मुद्दे बिहाल की औरतों की एक करामत है ये, वरना उन्हें तो हशर के मैदान में भी खामोश नहीं होंगे। फरिश्ते टेंशन में आकर बोलेंगे अल्लाह इनका हिसाब पहले कर, कोई यहां नहीं तो वहां बैठ जाए। बोलेंगे आपा सुन, अगर तू सुन ले तू समझ ले हमारी तकरीरों की जरूरत नहीं, तेरे घर से इनखिलाफ पैदा होगा। जलसों से नहीं, इज्तिमाआत से नहीं, मस्जिदों से नहीं, मदरसों से नहीं, तू सुन ले और तू समझ ले तो इनखिलाफ तेरे घर से पैदा होगा।
मेरे चाचा रूहानी रिश्ता इनकी तवज्जुहात खसम खा कर कहता हूँ। मैं जब इश्तिहार देखा, हजरत क़िबला का नामे नामी इस्मे ग्रामी देखा, अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ मैं इतना खुश हुआ, क्योंकि हमारे वालिदैन के दोस्तों का दीदार करना भी वालिदैन के दीदार के बराबर है। मैं हजरत का दामन थामते हुए एक जुमला अर्ज करूं, आऊंगा असल मकसद की तरफ अगर वक्त बाकी रहे। हजरत का दामन थाम कर एक जुमला अर्ज करता हूं, इंशाअल्लाह हजरत की दुआएं मुझे मिलेंगी। बात यह है, आज हमारे जिल्लत का सबब अमेरिका नहीं, आज हमारी जिल्लत का सबब दुश्मन नहीं, हमारी माँ और बहनों की गफलत है। मेरी अम्मा नाराज ना हो, मेरी बहन नाराज ना हो, मेरी बच्ची नाराज ना हो, ये मुसल्लम ये हकीकत बात है। जब तू हजरत फातिमा के दायरे में थी, तेरे घर के बच्चे का नाम कुछ और हो, लेकिन हकीकत हुसैन की थी। तो सैयदा फाइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दायरे और माहौल में जब तक थी, तेरे घर का बच्चा अल्लाह का वली था। अब उन्हें पूछ रही है, मैं सुन रहा हूं तुम्हें नहीं सुन रही, क्या पूछ रहे? वो कैसा हजरत, पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही डाला लेना तुम्हें। एक जगह ये बोलिया मैं, जलसे के फौरन बाद फोन आगा हजरत आपा का, भाया छोड़ते भी आपा छोड़ते नहीं, मंजे रिकॉर्ड करते हैं, बेंगलुरु में भी दो तीन साहेबा रिकॉर्ड करते हैं, कमेंट्स सामे आपा माँ इससे सवालत करते हैं, मैं देखता नहीं ना, मेरा दिमाग खराब होगा। तो एक जगह जबरदस्त ऐसे तकरीबन एक 7-8 गुना ज्यादा मजमा था, औरतें भी थी, मैंने उनकी अहमियत और उनकी ज़रूरत और उनकी खिदमात पर बात करते हुए यही बोला कि नस्लों के बनने में औरतों का हाथ बहुत ज़्यादा है। अब एक औरत बयान के बाद फ़ोन करी, मैं खाना खा लेकर बैठा हूँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम मुजम्मिल साहब, इज क्या? नहीं माँ, पीएम। और हजरत मेरा तारुफ कराते कराते पीएम की जो लंबी तशरी करे, नहीं इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, वो पीएम ये पीएम को बोल को खाली इतना बोला लेते, ये पीएम वो है जिसकी बीवी है कि तो सब समझ जाते हैं। वो हजरत वली रहमानी अलैहि रहमा का वाकया, एपीजे अब्दुल कलाम की हाजिरी का वाकया, इतनी लंबी तफसील पेश करने की जरूरत क्या है? वो पीएम ये पीएम ये पीएम वो है जिसकी बीवी है, तो बात खत्म। किबला और इंशाअल्लाह ताला परमानेंट पीएम हूँ, और आइंदा इंशाअल्लाह ताला हमारी ही कौम मुल्क को संभालने वाली है। ये तुम नहीं समझ सकते इशारे, ये मोहम्मद के गुलाम नहीं समझेंगे, मोहम्मद के वारिस समझेंगे। आप मोहम्मद के आशिक हैं, आप मोहम्मद के गुलाम हैं, उलमा मोहम्मद के आशिक नहीं, उलमा मोहम्मद के वारिस है। ये तुम्हें नहीं समझेंगे, ज़र्रा परेशानियाँ ही NRC CAA NPR अब काम नहीं सो हजम बिल्ली का सर मुड़ाया करते हैं। मुल्क के अंदर ये क्या इश्यूज आई? इंशाल्लाह इरादा आजकल हो रहा है मेरा, आने वाले इलेक्शन में MP इलेक्शन में खड़ने का इरादा है। जब मैं जाऊंगा ना, ऐसे इश्यूज उठाऊंगा मंजे देखे तो मोदी जी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना। उसे भाइयों, मैं आपको और आपके साथ
भारतीयों को कहना चाहता हूं, हालात को अगर सुधारना है, मुल्क में अमन पैदा करना है, प्यार और मोहब्बत के वो लम्हात जो 1947 से पहले थे वो वापस लेकर आना है, बाबर के दौर में जो मोहब्बत थी उसे लेकर आना है, हुमायूं के दौर में जो मोहब्बत थी उसे लेकर आना है, औरंगजेब आलमगीर के दौर में जो मोहब्बत थी उसे लेकर आना है, हजरत सुल्तान के दौर में जो मोहब्बत थी उसे लेकर आना है, निजाम हैदराबाद के दौर में जो मोहब्बत थी उसे लेकर आना है। आपकी जिम्मेदारी है वारिसीन अंबिया को पार्लियामेंट भेजना है। मई इलेक्शन में इस मरतबा कर्नाटक इलेक्शन में एक इशू उठा, कर्नाटक में अफवाह, मुजम्मिल साहब भी इलेक्शन में खड़ रही कहते को कबुल को मंजे पूछे क्या हजरत में खड़ रही कहते ना, मैं बोला मैं कहीं को खड़ू बा, अल्लाह नमाज में बिठा रहा है, इलेक्शन में मैं कहीं को खड़ू। सब भी हमना सलाम कर रही है, हमें दूसरों को हूं को ना क्या हजरत चुहा काटिया। जाऊंगा इलेक्शन के रास्ते से नहीं, सिलेक्शन के रास्ते से जाएंगे हजरत क़िबला। ये उलमा हमारे असातज़ा हमारे शुयूख हमारे अकाबिर जाएंगे इलेक्शन का सफर तय करके नहीं, सिलेक्शन किया जाएगा। नहीं साहब अब नहीं संभाल सकते हम, तुम ही संभाल सकते हैं, ये जुमले भी आएंगे ये दौर भी आएगा। चुपके रहती है एनआरसी एनपी अरे जर्रा की कामा नहीं उनको दूसरा कामा किसे रहती है, जिसकी जोरू रहती उसे कामा रहते सो क्या रहा। एक छोटा मजाक करो हजरत भतीजा होकर ये उम्र में आप मुंडी हला रही है तो हमारे अब्बा जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अमली का झाड़ कितना पुराना हुआ तो भी फीका नहीं खट्टा रहता, मुसलमान कितना बुड्ढा हुआ तो भी बुड्ढा नहीं जवानी रहता। क्या बात है, हमारा बोलना नहीं आता। छिल देंगे हालात को, खाली मुकदमे में अटका हुआ हूं। अंबिया की मसाफत और इस्लाह पे अटका हुआ हूं, औकात और दस्तरखान पे अटका हुआ हूं। जलसा है हिफ्ज़े कुरान का, आयत मैंने पढ़ी कोई और, जलसा है हिफ्ज़े कुरान का और आयत मैंने पढ़ी निकाह की, और दोनों को जोड़ना भी बाकी है। जर्रे हालात आएंगे, डरो न को। कल से मैं पूछ ले कोई क्या हजरत सी ए आ रहा है कहते एनआरसी आ रहा है कहते, मैं पूछा वैसा का तो क्या बा हजरत हमारे दादा का रिकॉर्ड होना कहते घुगू को ये। किसका रिकॉर्ड होना, दादा का रिकॉर्ड होना कहते, उसे तू डरता कहीं को की हजरत तेरा रिकॉर्ड पूछे तू दे, दादा का रिकॉर्ड पूछे उनू का ही वहां भेज। क्या हजरत क्या अकल है देखो हजरत इन लोगों की, हमारी सरजमीन में अल्लाह ने कैसे लोगों को इस वक्त बिठाया, शायद हम ना समझाने बिठाया है, या हमारे आमाल की सजा देने बिठाया है, या हमारे आमाल की तस्वीर बताने बिठाया है। रिकॉर्ड हमारा पूछो रे बाबा, तुम्हें कहाँ पैदा हुए पूछो, हमें बोलते अस्पताल में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए पूछो, घर में पैदा हुए, कब पैदा हुए पूछो, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। हमारे दादा बाबा के बाबा उनको देख के इतनी रिकॉर्ड क्या है,
बहुत कम बाबा ऐसे ही जो दादा की पिरापट्टी बच्चा को पोते को दिए ही, बाबा तो वो पिरापट्टियां भी खा लिए ही। अब हमारे पास आकर हमारे दादा का रिकॉर्ड पूछते, कहते अल्लाह अकबर, डरने की कोई जरूरत नहीं, रिकॉर्ड तो बना कर रखो, रिकॉर्ड बना कर रखने में किसका एतराज है, दावा करते हो तो दलील भी हाथ में रखो। ये मंतिक है, ये फलसफा है, ये ग्रामर है, ये कानून है, ये उसूल है, ये मोबाइल मेरा है, मैं दावा कर रहा हूं तो फिर इसकी बिल भी मेरे पास रखना है। समझ में आई बात है, दावा भी करो दलील भी रखो लेकिन डर कर नहीं, डर कर नहीं। दादा का रिकॉर्ड कौन थे पूछा तो बोलो जावा मुद्दे बिहार के कब्रस्तान का नाम क्या नहीं है क्या कब्रस्तान यहाँ नहीं है क्या तो बोलो मिंडूर छोड़ को यहाँ आ जाता हूँ है नहीं है मुद्दे बिहार का कब्रस्तान नाम नहीं है कि नाम नहीं है मेरे यहाँ कब्रस्तान मुद्दे बिहार का पूछो दादा वहाँ जाकर पूछो वहाँ पूछो जाओ भी जाओ अमित शाह साहब जाओ वहाँ जाकर पूछो इंशाल्लाह तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे उन्हें कि कहते उनके पोते को तुम्हें सता को ही सो रिकॉर्ड दिए ले लो भेजे तो आ जाओ नहीं तो तुम्हें भी वहां चल जाओ क्या साहब भेजे तो आ जाओ नहीं तो अच्छा तुम्हारे पीछे और चार जने को भेजती जर्रे हालात थी डरोनों को डरने की जरूरत नहीं कुर्सियां भी सलामत नहीं कुर्सी में बैठने वाला भी सलामत नहीं ये ज़मीन ने करोड़ों कुर्सियों को भी बदलते देखा है कुर्सियों में बैठने वालों को भी बदलते देखा है ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना हमारी खास झोपड़ी है हमारे वास्ते जन्नत साहब अम्बानी की बिल्डिंग को भी हमारी झोपड़ी को क्या ताल्लुक उसका घर हमारे सामने छोटा मेरा बच्चा काला रहा तो भी जान का टुकड़ा तुम्हारा बच्चा गोरा रहा तो भी मेरे बच्चे के हुस्न से कम इसके वास्ते बच्चे काले पैदा हुए तो नाम रखते तो चंद बचा उन्हें है कि नहीं हमारी नजर कहती है कि चांद पाशा क्या हजरत बुर्ज खलीफा कितना ऊंचा रहा तभी हमारी झोपड़ी हमना जन्नत हमना क्या है दूसरों का लेना देने का राहत की मगफिरत फरमाए अल्लाह ताला जबरदस्त शायर था एक मर्तबा मुझे फोन करे हजरत राहत साहब ताल्लुक नहीं मेरा आवाज भी बड़ी जबरदस्त उनकी और कैसे नंबर पहुंचा उनको नहीं मालूम मैं उनके असर सुनता हूं पढ़ता हूं हालात की अक्कासी बड़ी करते हूं अब उन्होंने फोन किया मुझे सलाम किया और उसके बाद कहा कि मैं राहत बोल रहा हूं बोलिया मैं मुसीबत सुन रहा हूं हल्लू बोलिया कौन रात इंदौर से अरे रे 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 आप इंदौर से बोल रहे हैं अरे बोलिए हाजी साहब उन्होंने कहा कि आपके मैं बयान सुनता हूँ क्लिप भी देखता रहता हूँ कुछ अशार मेरे पढ़ते हैं मैं डर गया मैं तो चोरी नहीं करता मैं शायरी च नहीं उनके अशार को मेरा नाम देकर पढ़ना इसे बोलते चोरी खाली पैसे उठाना चोरी नहीं लेकिन कुरान एक ऐसा कलाम है जिस अंदाज से हजरत पढ़ते हैं उस अंदाज से मैं पढ़ूं उसे चोरी नहीं कहते उसे हक कहते हैं हजरत कारी अब्दुल रहमान सुदेश कभी कहा कि मेरे अंदाज पर कोई कुरान न पढ़े अब्दुल रहमान हुज़ैफ़ी साहब दामत बरकातुहुम ने कभी कहा मेरे अंदाज पर कोई कुरान न पढ़े हज़रत बिलाल ने कभी कहा कि मेरे अंदाज पर कोई अजान न दे बल्कि आका ने फरमाया कि अरब की नकल करो हक अदा होगा अजान होती मुद्दे बिलाल में होती माशाल्लाह माशाल्लाह कैसी होती हजरत बोल डाले वही सीट कटे ऐसा सिस्टम रहना मस्जिदा में बहुत अच्छा है बेटे माशाल्लाह
आई सर है ना मस्जिद के सदरा सेक्रेटरियाँ मैं इंशाल्लाह पीएम बनिया तो पहला उन लोगों का इलाज कर दूँ उनको रिपेयर कर ला दे आई सर है ना मैं मोजन साहब मेरे सकर है ना जवान मैं बुढ़ा जवान को तो कोई भी मुंडी हला रही नहीं आवाज तो अल्लाह ताला हुजूर की उम्मत को हुजूर का सदका दिया है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ऐसी अजाना होना का तो तनख्वाह भी वैसी रहना देरी जो 3,000 रुपये अजान मदीने की होना का देरी जो 3,000 रुपये अजान को सी होना सा मदीने में ढाबे की रोटी का पैसा रख ले को ताज होटल की बिरयानी पूछ रहा है घुगू पैसा कैसा होटल वैसी अल्लाह अकबर कबीरा बात बहुत दूर तक जा रही है। रात इंदौरी ने कहा कि आप मेरे अशार पढ़ते हैं मुझे बहुत खुशी होती है, तब जाकर तसल्ली हुई इल्ज़ाम से बचा। उन्होंने कहा कि अशार तो मेरे हैं लेकिन जीनत आपने बख्शी है। मैं पूछा हाजी साहब वो कौन से अशार जो आपके मैंने जीनत बख्शी, उन्होंने कहा कि वो ऊंचे ऊंचे दरबारों से वो मेरे अशार हैं, मैंने पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा लेकिन मुझे पता चला उस वक्त के अशार कितने प्यारे हैं जब आप पढ़े। मैंने शुक्रिया कहा उनको, शुक्रिया कहा। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना खालिक अपना मालिक अपना रब अफजल है, इन आती जाती सरकारों से क्या लेना, अपना खालिक अपना मालिक अपना रब अफजल है, इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। दरारी गुगुआ तातारी दौर को देखने वाली कौम हमारी है, तातारियों का दौर देखे हमें। मैंने जुमे में कहा, नाम लेकर कहा, मोदी अंकल साहब मुल्क के हर कौम को डराना है तो डराओ, तब भी हम खामोश नहीं बैठेंगे, लेकिन मोहम्मद के गुलामों को मत डराओ, क्योंकि दुनिया का हर निज़ाम अगर किसी ने देखा है वो मोहम्मद के गुलाम ने देखा है। हमने मसरतें देखी, हमने खुशियाँ देखी, हमने राहतें देखी और हमने मुसीबतें देखी है। अल्लाहु अकबर। हमने यजीद का जुल्म भी देखा है, अबू बकर और उमर और उस्मान अली की खिलाफत भी देखी है, हज्जाज बिन यूसुफ का जुल्म भी देखा है, अमीर माविया की हुकूमत भी देखी है, जिंदगी भी देखी है, मौत भी देखी है, शहादतें भी देखी हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं, हालात आते जाते रहते हैं। समझ में आई बात। गर्ज एक आपा बयान के बाद फौरन फोन करी, छोड़ दे ले क्या आपा को, आपा वहां को छोड़ो ना को हमें छोड़े दूसरे पकड़ लेते। सही बात, सही बात, सही बात, सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बड़ा इशारा।
नहीं छोड़ना। हमारी अपनी हर चीज की हिफाजत करने का नाम है इस्लाम, चाहे वो ईमान हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो माल हो, चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो आबरू हो, हमको हिफाजत करना है। हम हिफाजत नहीं करेंगे तो चारों तरफ ये दौर डाकू और चोरों का है। कितना बड़ा मैदान है देखिए मदरसे का, अल्लाह अकबर कबीरा। इसकी हिफाजत बाउंड्री डालने से नहीं, बच्चों को दाखिल करने से होती है। बाउंड्री डालने से नहीं, फिर भी डाल के रखो, लेकिन असल इसकी हिफाजत का जरिया क्या, हम अपने बच्चों को लाकर यहां दाखिल करें। इतना बड़ा मैदान है। मेरा एक छोटा सा तजुर्बा है कि ये इमारतें और ये मैदान इंशाअल्लाह ताला हजार हजार मेहमानान रसूल की खिदमत करने की ताकत रखता है। खाली बच्चे दो, पैसा नको, पैसा नको हजरत। मैं भी कई मदरसों का जिम्मेदार हूं, हजरत भी हैं। अल्लाह हजरत कासिमुल इल्मी वल खैरात कासिम नानोत्वी रहमतुल्लाह अलैह के कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। मैं तो यहां तक कहता हूं, कासिम वो है जिसका इंतखाब मोहम्मद ने किया है। हजरत ने साफ कहा, देवबंद का जो दस्तूर है, दारुल उलूम देवबंद का जो दस्तूर है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बाबा? अभी तकरीर शुरू करा नहीं रहा बाबा। अरे रे रे, पांच हो गया ना हजरत। मैं बोला शुरू में औरतों के बारे में बोलकर, ये बात बोलकर खत्म कर दो इंशाअल्लाह ताला, फिर कभी बैठेंगे जिंदगी बाकी रही तो मुलाकात है। इतने उलमा हैं, हजरत का साया हमारे सरों पर ताजर खाइम फरमाए। ऐसा बैठते रहे तो दुश्मन डरता सो, समझ में आई बात है? मेरे एक दोस्त बोले, अच्छे दोस्त जिंदा ही, उड़ीसा में ही, कहीं उड़ीसा में ही होटल में जाको खाए कहते। खाने के बाद लाख को काउंटर में पैसे दिए, खाए सो उन्हें 60 रुपये का कि 70 रुपये का दिए, किता 500 रुपये की नोट, चिल्लर नहीं थी। उन्हें पलटा को 40 रुपये दिया, देना था कितना? 440 देना था। उन्हें दिया कितना? 40। उन्हें बोले, मौलाना बोले, मैं तुझे 500, नहीं 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 500 नहीं, तुम 100 दिए। मौलाना बोले, अच्छा मैं 500 दिया तो 100 बोल रहा, चल तू कल ये वक्त तक पैसे लाकर उससे दो कीमत देगा और 100 कीमत ज़्यादा खर्चा करेगा, बोलकर उन्हें कुछ पढ़ना शुरू करे उसके सामने। आप कुछ मत करो साहब, कुछ मत, लो लो साहब, ले लो साहब, आप 500 ही दिए साहब, बोलकर बोले। बाद में मुझे बोले, मैं क्या भी पढ़ा नहीं, खाली होटा हलाया सो। हमें भी क्या भी करना नहीं, खाली ऐसा मिल मिल को बैठते रहना, उन्होंने डाउट में पड़ जाते। यकीन हमारे पास है, डाउट उनके पास है। ला रैब फी, ये यकीन है, यकीन हमारे पास है। सो एक अल्लाह का यकीन हमारे पास, अंबिया का यकीन हमारे पास, नबी पर यकीन हमारे पास, कुरान पर यकीन हमारे पास, दुआओं पर यकीन हमारे पास, मौत पर यकीन हमारे पास, खबर की जिंदगी पर यकीन हमारे पास, हशर की जिंदगी पर यकीन हमारे पास, हिसाब और किताब पर यकीन हमारे पास, इंशाअल्लाह ताला जन्नत और जन्नत की जिंदगी पर यकीन हमारे पास, और जन्नत के अंदर की तमाम नेमतों पर यकीन हमारे पास, दीदार खुदाबंदी पर यकीन हमारे पास। क्या भी करना नहीं, खाली बैठ को उठ को। मौली साहब से भी बड़े हैं आप लोग, मैं छोटा हूँ, तालिबे इल्म हूँ, बार 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 ऐसा मिल मिल को बैठो, वो लगा डाउट में पड़ जाती हूँ, कहीं को नू बैठी, कहीं को बैठी, कहीं को बैठी, कहीं को बैठी, खाली ये सूत को उनको हाट आ जाता।
हमें बैठ को क्या भी तो नहीं करते, खाली चाट पीते सोता चमड़ा। हमारे पास जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चा हिंदुस्तान का जमजम कहते, खाली चा बिस्किटा खा ले को, पी ले को, मशवरे कर ले को, दुआया कर लेकर उठो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद नाजिल होगी। हजार बच्चे ये इदारा संभाल सकता है इंशाअल्लाह ताला। पैसे नको, दारुल उलूम देवबंद का जो दस्तूर है, नहीं दस्तूर, उसका नाम उसूले हस्तगाना। हजरत ने उस वक्त एक उसूल दाखिल किया, क्या, कि अगर मुल्क या बैरून मुल्क का कोई मालदार आकर दारुल उलूम देवबंद के सामने ये खिदमत पेश करे, 100 साल का तन्हा कर्ज मैं संभालूंगा, 100 साल तक चंदा नहीं लेना। हजरत फरमाते हैं उसे दरवाजे से बाहर करो, कौम के चंदों से मदरसा चलाओ। चंदों में बरकत है, और मदरसे चलते सो अल्लाह के फजल से चंदा एक बहाना। जकात के 2.5 रुपए में इतना बड़ा इदारा चलता, दे 300 हमें जकात और सदकाती, वैसा बोल को कौन भी मर गा तो वो भी सदकात, एक्स्ट्रा आको तोहफा तो मदरसे को कौन भी देता नहीं ना। अरे दे रहा क्या, नहीं देता, ले हजरत मेरी तरफ से 5 लाख रुपए, रसीद लिखते मोहतमिम साहब, क्या लिखूं, जकात नहीं, सदका नहीं, हदिया हदिया, ऐसी कोई रसीद अब तक कटी है नहीं। खाली जकात और सदका से इतना बड़ा निजाम चल रहा है, उम्मत अगर हदाया पर आ जाए तो आलम क्या होगा। पैसे नको, चैलेंज के साथ कहता हूं, जब आसाम के मदारिस पर हमले हुए उस वक्त मैंने बड़ा गहरा मुताला किया और गहरी नजर मुल्क पे डाला, आज इसकी सुबह कहीं और शाम कहीं और होती है, मैंने नतीजे निकाले, मदारिस को फोन किया और गांव गांव पहुंचने के बाद मदरसों का रिकॉर्ड पूछा, मदरसे खुले भी और बंद भी हुए, लेकिन एक मदरसा इसलिए बंद नहीं हुआ कि पैसा नहीं था, हाँ मदरसे इसलिए बंद हुए कि बच्चे नहीं थे, पैसा नहीं बोलकर एक मदरसा आज तक बंद नहीं हुआ। हमारे अपने इलाके के बच्चे न मिले तो फिर इन इराम इमारतों को आबाद करने के लिए हमने बिहार का दरवाजा खिटखिटाया, यूपी का दरवाजा खिटखिटाया, बंगाल का दरवाजा खिटखिटाया, यूं मालूम होता है कि कर्नाटक बच्चे पैदा करने का फैक्ट्री बंद कर दिए। मैं नहीं कहता कि बिहार से बच्चे ना बुलाओ, बल्कि बिहार के बच्चों को मैं सलाम करता हूं, अगर वो बच्चे ना होते तो पता नहीं कि इन इलाकों के कितने मदरसे बंद हो जाते हैं। लेकिन हमारे बच्चे भी तो पढ़ना है, आज से इरादा कर लो, क्या इंशाल्लाह बोल डाले, इरादत बोलिया नहीं इंशाल्लाह करिए, क्या इरादा कर लो, कम से कम एक बच्चा तो जन को हमें मदरसे को देंगे, समझ में ही बात, कितने जन ना वो तुम्हारा फैसला, भाई मैं कहीं को बीच में मुदाखलत करूं, तुम्हें 2 तुबी जनो, 1 तुबी जनो, 10 तुबी जनो, 15 तुबी जनो, 20 तुबी जनो, 50 तुबी जनो, 100 तुबी जनो, लेकिन मैं ही गुजारिश हजरत के हवाले से करता हूँ, एक बच्चा जन को क्या करो, कौन कौन देंगे हाथ उठाए, अरे वाह वाह वाह, पूरे कांग्रेस आधा उठा दे लेना, हाथा उठा दे ले बाबा, घर को जाको जवाब कौन देना, जो तमिल में बोलते इधर मुख्यमाना पेस, ये तो अहम बात, हाथा उठा दे ले साहब, दीवाना उठिया मलिदा कुटिया, हाथा उठा दे ले, कौन कौन देंगे, एक एक बच्चा मदरसे को तो हाथ उठा दिए, लेकिन घर को जाकर जवाब कौन देगा, आपा तू इरादा कर ले तो ये काम मुश्किल नहीं। बेशक बेशक, बहुत
मेरी अम्मा ये काम तू की, तू इरादा कर ले तो ये काम मुश्किल नहीं, कुछ तो कर मेरी आपा, मरने से पहले नजात की गारंटी हो जाए, कुछ तो कर मेरे आपा, मरने से पहले तेरी कब्र जन्नत बन जाए, कुछ तो कर ऐसा अच्छा काम, तू जन्नत की मुश्ताक नहीं, जन्नत तेरी मुश्ताक बन जाए, कुछ तो कर। अल्लाह का एक उसूल है, बहा देखता नहीं बहाना देखता है, बहा देखता नहीं बहाना देखता है, कुछ तो ऐसा काम कर ले, तू जन्नत की मुश्ताक नहीं जन्नत तेरी मुश्ताक रहे। सय्यदा फातिमा को हुजूर ने यही बशारत थी कि बेटी फातिमा पूरी उम्मत जन्नत की मुश्ताक है, लेकिन जन्नत तेरी मुश्ताक है। जिनके घर के औरत आको ही सुनी क्या बोल को बयान पूछना, हिम्मत रही तो ये तो उन्हें पलटा को पूछेंगी, तुम्हें सुने क्या चलता नहीं हजरत, ये हमारे घरों में कहां होते मुजाकरे ऐसा क्या बात है। बेटी फातिमा, आज जिब्राइल आए थे, मुझे सलाम किए, तुझे सलाम पहुंचाए, और ये बशारत दी, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी को ये पैगाम पहुंचा देना कि सब जन्नत के मुश्ताक हैं, लेकिन जन्नत आपकी बेटी की मुश्ताक है। फिदा है कुल्द भी जिस पर ऐसी है फातिमा, खुल्द बोले तो जन्नत, असल में खुल्द जन्नत का तर्जुमा नहीं, खुल्द बोलते हमेशा रहने वाली जगह को, और जन्नत ही हमेशा रहने वाली जगह है। फिदा है खुल्द भी जिस पर ऐसी है फातिमा, अल्लाह के हबीब की बेटी है फातिमा, कर्बला में जिसने बचाया था दीन को, कर्बला में जिसने बचाया था दीन को, बेशक उसी हुसैन की अम्मी है फातिमा। इरादे करो, कहाँ इरादे करते हैं, इरादे मेरे भाइयों के रहे तो भी फैसले तुम्हारे हो रही हैं। मौलाना का बयान सुन ले को खुश हो जाता, कम से कम 12 से कम नहीं। उन्हें बोलती मेरे सर में मोदी जी का हाथ है, 12 का इरादा रखो, लेकिन मैं जनती नहीं तुम्हें जनो, हमें जनने का रहता तो तुझे कहीं को मनाते आपा, जो काम तेरा है तू कर सकती उसमें हमें हाथ जोड़ने को करते, सो जो काम हमारा है हमें कर सकते, तो फिर तेरी जिंदगी के दरवाजा क्यों खिटखिटाते। पॉइंट, इतनी हिम्मत से कई को बोल रहा हूं, गेट खुला है। मामूली बात नहीं बोल जाना भाई। उन्वान उबल रहा है, उबल रहा है, इसीलिए हजरत क़िबला का हाथ सर पे रख कर यहाँ बैठा हूँ मैं। भाइयों, मदरसे आबाद करो, और एक बात कहूँ, अब गरीबों की जिम्मेदारी नहीं मदरसे आबाद करने की, अमीरों की जिम्मेदारी है मदरसे आबाद करने की। अल्लाह दिया है ना, तुम ना तुम्हारे बेटे कमा को खाना जरूरी नहीं है ना, 10-10 बिल्डिंग ही ना, 50-50 एकड़ जमीन ही ना, कारा ही ना, दुकाना का किराया आ रहा है ना, घर का किराया आ रहा है ना, तो फिर कम से कम ये काम तो करो। अब तक गरीबों ने मदरसे संभाले, अब तुम संभालो, मस्जिदों के सदरों तुम संभालो, सेक्रेटरियों तुम संभालो,
इलेक्शनों में खड़ने वाले नेताओं, अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ईमान है तो तुम संभालो। अब गरीब संभालना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो पढ़ने के बाद बाहर के हालात उसे इस बात का यकीन बराबर नहीं दे रहे हैं। अब मालदारों के ऊपर जिम्मेदारी है। इस दौर में अगर मालदार मदारिस अरबिया को नहीं संभालेंगे, पता नहीं कि उनके खबर और उनके हशर का हाल क्या होगा। बात सही है कि गलत है? है ना, मेरे पास दुकान चार पांच छह घर है ना। अभी इसी दौर में 70-80 हजार रुपए किराया आ रहा है चार इमामों की तनख्वाह। प्रॉपर्टी है ना, बिजनेस भी तैयार कर रखा है ना। किसी का स्क्रैप का बिजनेस है, किसी का चावल का बिजनेस है, किसी का गेहूं का बिजनेस है, किसी का कपड़ों का बिजनेस है। दुकान खोल कर तरक्की तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी नहीं है, उरूद पर चल रहा है बिजनेस। अब मालदारों की जिम्मेदारी है कि अब वो मदरसे आबाद करें। जरूरी नहीं कि हाफिज बनने के बाद इमामत करे, जरूरी नहीं कि हाफिज बनने के बाद खिताबत करे। एक अलग एजाज है जिंदगी संभालने के लिए अल्लाह ने तिजारत का रास्ता रखा, इमामत का नहीं। आओ बेंगलोर के अंदर मैं बताऊं कितने ऐसे हुफाज हैं जो मदरसे में हिफ्ज किए हैं लेकिन जबरदस्त बिजनेस और कारोबार में लगे हुए। एक जबरदस्त मालदार का बेटा हाफिज कुरान, और मैं बताना मकसद नहीं है मेरा, इजहार नेमत है। वो अम्मा बिन नेमत रब्बी का फहदिस, 10 साल पहले मैंने तकरीर में यही कहा तो वो साहिब माल जो हमारे मदरसों को भी ज़कात व सदक़ात देते चंदा देते थे, उन्होंने बात को समझकर करोड़पति अपने बच्चे को क्या किया, मदरसे में दाखिल किया। और वो बच्चा ऐसा निकला, अल्लाह अकबर। तो इज्जु मंतशा व तुजिल्लु मंतशा का किस्सा, जिसे चाहे अल्लाह देते हैं। मालदार घरों के बच्चे अक्सर रास्ते से भटके हुए होते हैं। वो बच्चा ऐसा था, पीयूसी पढ़ने वाले बच्चे को आगे की डिग्रियों का इरादा जो था वो छोड़कर तर्क करके उन्होंने आज इसके बयान के बाद मदरसे में दाखिल किया तो सिर्फ 1.5-2 साल में पूरा कुरान याद कर लिया। तकरीबन आप दोनों से मिलती जुलती शक्ल है बच्चे की, वो आप ही की उम्र है। उसके बाद उन्होंने मुझे दस्तारबंदी को बुलाया तो मैं कहीं और था, बाद में स्पेशल मुझे दावत रखे। शाबान तक मैं बिजी था, रमज़ान में कहीं जाता नहीं, मैं तरावी है, मदरसे की जिम्मेदारी है, प्रोग्राम है। रमज़ानुल मुबारक के बाद मेरे वास्ते बोलकर स्पेशल दावत रखे। मालदार साहब घर कैसा है मालूम, चार हंकियाँ होना देखने। मालदारों की दौलत घर में दिखती, सो जेब में नहीं दिखती, खाली बाथरूम ऐसा रहता, गए तो आउनों को कता जान। क्या हजरत, जबरदस्त घर। एक तो दस्तारबंदी में भी उन्होंने तकरीबन 300-400 खानदान वालों को दावत दी। रमजान के बाद क्योंकि एक रास्ता मिला तो उन्होंने मोहब्बत में मुझे जब दावत दी तो तब भी 100-150 आदमियों की दावत। दावत भी अल्लाह मौली साहब को ऐसा खिला रहा है, फिर भी दुनिया ये सोच रही है पढ़ाए तो क्या खाता, खा ले को रहे तो कई को इतना खाता। परसों हजरत 7 बजे ट्रेन थी मेरी, फजर की नमाज पढ़ को मैं जाना। घर वाले बोले नाश्ता कर लगो जाओ, मैं बोला उत्ता सुबह ही नाश्ता। नहीं नहीं हजरत, तुम्हें पूरी रात जग को ही, ट्रेन में बैठते ही सोजेंगे तुम्हें, दोपहर को जाको उतरना, हम ना मालूम तुम्हें सफ़र में क्या भी खाते नहीं, तुम्हें खा ले को चल जाओ हजरत। चलो भी काती भी छोटा मोटा नाश्ता रखते रहेंगे ना, बोलकर बोले तो अल्लाह अकबर, वलीमे का दस्तरखान बेकार था। मैं उस घर की तमाम औरतों को जो रिश्ते में रूहानी व ईमानी मेरी बहनें थीं, उत्ता सुबह ज़बरदस्त रोटियां, ज़बरदस्त पाए, कलीजी, दिल, तिल्ली, आह हा पाया मालूम, ये सब आइटम अल्लाह हमनाथ खिला रहा। सो अंबानी को पूछो पाए का मज़ा क्या, बोल को आई डोंट नो।
हो? अब नहीं मालूम कैसरी बात उदिन बड़ा मसाल डोसा पिज्जा कब तभी खाया हजरत पिज्जा? खाओ भी नको हजरत, नहीं तो पूरे खाने से तौबा करना पड़ेगा। मंजे भी एक जना लाको पिज्जा दिया, कार में बैठा था असर के बाद सफर में, हजरत यहाँ का पिज्जा बहुत मजा रहा। मैं भी सुनता था पिज्जा पिज्जा को बोल को, उस पर फतवे भी चले हैं, समझ में ही बात है। बाद में मैं पूछा सही, अरे अरे नहीं हजरत ये हलाल लिया बोल को, लाको दिया वो पिज्जा क्या कहते हो, रोटी रोटी में अंडा मस्का क्या की चीज गीज बोल को लाको दिया, रोटी अच्छी है, तोड़िया हाफ कटिंग थी, अब हमें घचीटा तो फुल कट हो जाता था। वो घचीटिया तो अंदर के आइटम जो झल्ले को थे इसके सगाजी गए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व ख़तीयति व अतूबु इलैही। खाना का तो फाला खाओ, गुर्दे खाओ, दिल्ली खाओ, तिल्ली खाओ, सरा खाओ, भेजा खाओ, पाए खाओ, आहा अल्लाह का करम, नबी के सदके में क्या क्या खला रहा है। सुनो ये बात बोलकर बात ख़त्म कर देता हूँ, आपा की बात भी फिर कभी मौका मिले तो बोलूँगा, क्योंकि आगे भी जाना है मुझे, कुछ हजरात उलमा से एक दो चार मिनट बात भी करना है इंशाल्लाह, फिर कभी इंशाल्लाह बैठेंगे। लेकिन अमल करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, हाफिज़ बनाओ। तुम्हें क्या समझते हैं हाफिज़ बनाने के बाद मस्जिद में लगाना? नहीं, हाफिज़ बनाओ उसके बाद तुम्हें जिस लाइन में रखना चाहते हैं रखो। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब आलिम और हाफिज हैं, सियासत भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। इमाम अबू हनीफा फकीह है वक्त और ज़मा, जबरदस्त ताजिर, पीराने पीर महबूब सुभानी खुतब आलम गौसे आजम, जबरदस्त ताजिर। ऐसे हजारों औलिया व उलमा के नाम है हमारे पास, जो पढ़े तो जरूर हैं लेकिन खाने पीने का रास्ता एक अलग इख्तियार किए हैं। क्या हाफिज कुरान बनकर चावल का दुकान खोल नहीं सकता? क्या हाफिज कुरान बनकर होटल चला नहीं सकता? क्या हाफिज कुरान बनकर कोई और दुकान चला नहीं सकता? चला सकता है, इसे उसे टक्कर नहीं। ये हिफ्ज कुरान फजीलत है, वो तिजारत इबादत है। मंजे भी मस्जिद वाले कब तभी डराए तो बोलते डराना नहीं, मौका मिला खिदमत कर दू, नहीं तो बिजनेस कर दू, ऑटो चला तू। अरे क्या बिल्कुल कार चला तू, नहीं तो मुल्क चला तू। ये इशारा हजरत समझ रहे हैं, क्योंकि इस इशारे के अंदाज में एक मंतिक है। नहीं तो पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, हाफिज बनाओ, लड़कियों को भी हाफिजात बनाओ, बड़ी फजीलत है। आयत को जोड़े बगैर उतरने दिल नहीं चाहता, तफसीर में आता है जिस माँ बाप का बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है अल्लाह फजीलत की वजह से माँ बाप को ईमान की मौत अता फरमाती है, क्योंकि है ना फजीलत, माँ बाप को सूरज से ज्यादा चमकने वाला ताज पहनाएंगे। खुदा ना खास्ता माँ बाप कुफ्र की हालत में मरे तो फिर हदीस कब वाके होगी, कब वाके होगी? बच्चा हाफिज बन गया, माँ बाप के ईमान की जमानत है। मरने से इंतकाल से एक महीना पहले घर में वाली साहब ईद उल अज़हा के मौके पर मेरी पूरी बहनें आई थी, बच्चे आए थे उसके, मैं मेरी बीवी सब थे, अचानक वाली साहब रोने लगे। मैं बाहर था, मुझे मेरे भांजे ने फ़ोन किया तो मैं दौड़ता हुआ आया, उसके बाद वाली साहब के बाजू बैठा, गले में मोहब्बत के साथ हाथ डालकर पीठ सलाकर पूछा क्यों अब्बा, क्या अब्बा क्यों रो रहे अब्बा? क्या भी नहीं बेटे, क्या भी नहीं बेटे,
चिपके मेरा घर बच्चे नवासे नवासियाँ पोता पोतियाँ देखकर सर सब्ज और शादाब घर देखकर रोना आ गया। मैं पूछा कई को अब रोते अल्लाह बड़े हैं। तबीयत जरा लील चल रही थी। अल्लाह बड़े हैं, अभी तुम्हें मेरे बच्चों की भी शादी देखना है। मेरे बच्चे मुझे भैया पुकारते सो अब्बा कुछ अब्बा तसल्ली दे रहा था। मेरे बच्चों की भी आप शादी देखना करना सो तुम्हें मेरे पास क्या है, ऐसा बोल रहा था। तो उसके बाद अब्बा जान ने एक जुमला कहा, बेटे मौत हयात के मालिक अल्लाह ताला, क्या भी हो जाए सब्र करो, लेकिन मैं अब जो रो रूं मौत से डर कर नहीं बेटे, मंजे तो मौत का डर रिच नहीं बेटे, मैं तुमने हाफिज बनाया तो तुम्हारे वास्ते नहीं मेरे वास्ते, मैं तुमने हाफिज बनाया सो तुम्हारे वास्ते नहीं बेटे मेरे वास्ते बनाया सो, जिसका बेटा हाफिज कुरान हो उसके बाप को मौत से क्या डर है, बेफिक्र हो जाएंगे आप अगर अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे। खबरों में जितना फायदा मुर्दों को उनकी औलाद के इल्म से पहुंचता है उतना फायदा तो किसी मुर्दे को अपनी औलाद के माल से नहीं पहुंचता। बनाएंगे इंशाल्लाह। कभी इधर से गुजरना हुआ तो फिर मैं ज़रूर मदरसे में आकर देखूंगा। मुद्दे बिहाल के इस मदरसे के मोहतमिम साहब से मौलाना से पूछूंगा हमारे अपने इस इलाके के कितने बच्चे पढ़ते हैं, आपके अपने बच्चे पढ़ना, आपके अपने बच्चे पढ़ना, बाहर से आते हैं उनका भी इस्तकबाल करो, बराबर खिलाओ बराबर पिलाओ, सबकी तालीम पर गहरी नज़र रखो। लेकिन हमारे शहर में अगर मदरसा है तो फिर उस मदरसे में हमारे शहर के बच्चे पढ़ना है। तमाम बातों को काटता हूँ, उबैल पर इस्लाह की बात और अंबिया की तादाद और दरमियान की मसाफत, तमाम बातें मेरे जहन में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तकरीर को भूलता नहीं, वक्त ना होने की वजह से छोड़ देता हूँ। रमज़ान के बाद वो मालदार साहब ने एक मेरे लिए दावत रखी और बहुत सारे दोस्तों को बुलाया। अब मैं उस बच्चे को तोहफा लेकर जाना था तो मैंने शाया, मैं मौलाना से गुजारिश करता हूँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हाफिज़े कुरान का एजाज़ और भी शान से कीजिए। क्या आदत फरमाते हैं, और शान होना चाहिए। शादियाँ देखे तो शादी करो बिल्कुल शौक आता सो, समझ में आई बात, शादियाँ देखे तो शादी करो बिल्कुल शौक आता सो, जिनकी शादी होगी उनको भी शौक आ जाता है दूसरे की शादी देखे तो। क्या हजरत, उनकी शेरवानी, उनकी दुपट्टा, उनका ज़रफ़ पर, उनका एजाज़, या तो गुजरा हुआ ज़माना याद आता नहीं तो आइंदे के इंतज़ार रहता। और शान से होना, हाफिजीन का एजाज़, ज़बरदस्त शाये होना, ज़बरदस्त दुपट्टे होना, उनको आप लोग भी तोहफे देना। खाली मुसाफा करो बोलो माँ जी के, मुसाफे के बाद खिकर को देखना पड़ता, कहती भी है क्या बिल्कुल। शादी को जाते ही कवर आ देते ही, खतरे को जाते ही कवर आ देते ही, रस्म को जाते ही कवर आ देते ही, इतने बड़े एजाज के जलसे में आए हाफिज कुरान को मंगरू नहीं। हज़रत ने फरमाया कुरान की अजमत का क्या कहना, इससे बड़ी दौलत नहीं है। मोहब्बत भी तो करना है, मोहब्बत भी तो करना है, फिदा का अभी वो उम्मी सहाबा कुछ भी ना होता, ये जुमला तो ज़रूर बोलते। अब मैं उनके लिए शाया लेकर गया, रुमाल लेकर गया, फिर मैं एक पगड़ी, पगड़ी ज़रा अच्छी बनतू मई, समझ में यही बात है, मैं भी दिखना नहीं नौशो के सका, समझ में आई बात, अच्छी पगड़ी, पगड़ी लेको गया, सब लेको गया, उसके बाद गया तो उन्होंने मुझे भी ज़बरदस्त तोहफा दिया, देना अच्छे तहादू तहाबू आई लव यू बोले तो आई लव यू बोलना। खाली इनकमिंग आउटगोइंग नहीं,
क्या भी उनके तोहफे से हमारे घर की रोटी पकती नहीं। मोहब्बत साहब आका का फरमान है तहादू तहाबू तहाबू, तोहफे दिया लिया करो, मोहब्बत आती जाती रहती है। उसके बाद उन्हों रोने लगे, साहिब खाना रोने लगे, पर्दे में उनकी अहलिया मुझे शुक्रिया अदा करते हुए रो रही थी, अंदाज में मुझे रोना समझ में आया। हजरत हमें कितना शुक्रिया अदा करे थे भी तुम्हारा कमीच हजरत बेंगलुरु की अंदाज नहीं माँ अल्लाह का करम हजरत नहीं हजरत वो सब अपनी जगह पर अल्लाह का फजल अल्लाह हाफिज बनाया। हमारी अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा तरावी में हमें हमारे बच्चे के पीछे पूरा कुरान सुना। बच्चे को कहीं जगह मिली नहीं तरावी को। अब वो साहिब खाना मेरे दोस्त ने क्या किया कि बेटे एक काम करो तुम्हें घर के अंदर इस कुरान पढ़ाओ हमें सब सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे चिचायाँ पूरे मामुआ अतराफ अकनाफ के कुछ लोग ऊपर के फ्लोर में मस्तूरात फोटो पकड़ कर बताए इतना खूबसूरत मंजर है। घर घर नहीं था हाफिज कुरान, जिस घर में हाफिज बन बच्चा हाफिज बन जाता है उसका घर घर नहीं होता मस्जिद बन जाती है। बनाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे और अमित तमाम बातों को काटता हूँ, वक्त का तकाजा है, मैं भी थका हुआ हूँ, आगे जाने का मौका भी नहीं है, अभी नमाज भी होना है और कुछ उलमा से मुझे बात भी करना है, आगे का सफ़र भी करना है, फिर कभी आऊँगा तो इंशाल्लाह ताला सुम्मा इंशाल्लाह लंबी चौड़ी बात होगी। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए।